साथ दस्ती बैठ जाते हैं गाड़ी के अंदर, अपना वो दुबाया जाता है फटन हेटन करने वाला, और अभी के लिए रश करने के लिए जाती हुई टीम I8 का स्क्वाड टीम 4v के ऊपर एक प्लेयर को नॉक करने में कामयाब। जरार के प्लेयर्स बैक एंड के ऊपर टीम T20 एक्सक्विटी के साथ फाइट लेते हुए I8 घोस्ट 9 किल्स के साथ टीम I8 और 5 किल्स इसमें से घोस्ट के रहेंगे। घोस्ट अपनी फॉर्म आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा रहे हैं और जो वो 20 प्लेयर थे घोस्ट वो वापस आ चुके हैं अपने फॉर्म के अंदर और यही चीज तो देखने लायक है। PMPL इज गोना बी सो मच फन, लेकिन 4v के प्लेयर्स इस फन को बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर रहे और एक सारी की सारी टीम्स ही टीम 4v के प्लेयर्स के ऊपर किल स्कोर करना चाहती हैं क्योंकि वो शार्क है जो अट्रैक्ट कर रहा है बाकी टीम्स को। चार बंदों का वहां पर होना, तीन बंदों का वहां पर होना कंफर्म है कि टीम्स आपके फ्री किल्स नहीं जाने देंगे, लेकिन जैगुआर इन द किल पेड टीम एफएस के मलिक को टेक डाउन किया जाता है। स्पॉट डाउन करते हैं ब्लेड, एक प्लेयर को गिराने में कामयाब, दूसरे प्लेयर को, तीसरे प्लेयर को भी एलिमिनेट किया जाता है और 6 से सीधा 13 किल्स पर ये स्क्वाड अपने आप को लेकर आ जाता है। टीम I8 13 किल्स कर चुकी है और अभी भी 23 प्लेयर सर्वाइव कर रहे हैं इस लॉबी में। जी हाँ बिल्कुल, इनफैक्ट आई ब्लेड का शायद यहाँ पे 1v3 रह जाएगा अगेंस्ट 4v हमारे जो जेवी का स्क्वाड रहने वाला था, बिकॉज जैसे वो यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं वो 1v1 प्लेस लोन एचपी की वजह से हमें जब ब्लेड का जरूर वहां से एलिमिनेट होते हुए दिखाई, बट फर्दर आई ब्लेड वन सेकंड विद दैट फायर मोमटू को भी नॉक करते हुए दिखाई देंगे। कल्स का सिलसिला बिल्कुल यहाँ पे अब नहीं रुकने वाला है, टीम के कल्स फर्दर जरूर से हम यहाँ पे इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 14 किल्स तक अभी नंबर यहाँ पे जा चुके हैं गोस्ट विद 5 किल्स पर हम दो, लेकिन ब्लेड बैक से इनफैक्ट यहाँ पे आगे बढ़ जाएंगे और गोस्ट के अलावा यहाँ पे ब्लेड के पास भी अब 6 किल्स हमें जरूर जब देखने को मिल रहे हैं। उज़म द अनलकी गाय सो फार इन दिस गेम, दो इनके पास कोई किल रहने वाला, लेकिन पुष्पा भी अपने लिए 3 किल्स हमें जरूर यहाँ पर निकालते हुए दिखाई देंगे। बट सर्कल फर्दर वो यहाँ पे किसको फेवर करता है, सर्कल कौन यहाँ पर अपने लिए फेवरेबल हमें बना, 2 किल्स शहजादों के बैकपैक में है। अदील मिथ इबी और हसनी खेलते हुए दिखाई हमें दे रहे। आईट ब्लेड स्पॉट डाउन करते हैं, काफी ज्यादा लोन एचपी करने में कामयाब, लेकिन अभी के लिए सेफ हेवन उनके पास मौजूद है। टीम I8 सर्कल के साउथ एज के ऊपर मौजूद है। टीम NB9 के अदील को इस मैच पिक ऑफ करने में कामयाब हो जाते हैं, दूसरे प्लेयर को भी नॉक डाउन करने में कामयाब। बैक एंड के ऊपर T20 के प्लेयर किल स्टील कर सकते हैं, 420 बॉय अभी उनको अंदाजा नहीं है, 2 प्लेयर नॉक हुए थे लेकिन किल स्टील करने की इजाजत ही नहीं दी जाती ब्लेड की तरफ से। ये 2 किल्स मजीद कंफर्म करने के बाद 18 किल्स कर चुकी है टीम I8, ऑलमोस्ट 40% ऑफ द लॉबी को टीम I8 ने एलिमिनेट किया है और ब्लेड 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 चारों के चारों प्लेयर्स के साथ ये स्क्वाड सरवाइव करता हुआ और इनका जो भालू है जो भी है इसको मैं क्या नाम दूं, पेट है इनका, वो भी अपनी खुशी का इजहार करता हुआ मैं दिखाई दे रहा। लेकिन 420 बॉय का किल भी यही टीम पिक ऑफ करती है, दोनों के साथ दोनों की साइड से एक ही साथ स्प्रे डाउन करने की कोशिश की गई। 19 किल्स टीम I8 कर लेकर जा चुकी है, 20 तक ये मार्कर पहुंचने वाला है। अभी भी 15 प्लेयर्स सरवाइव कर रहे हैं, सो I8 इस नंबर को 25 तक लेकर जा सकती है। बहुत ही इंप्रेसिव गेम प्ले, लीडर बोर्ड के ऊपर ऐसा वैसा टॉप पर जाएंगे, लेकिन अभी के लिए प्राइस पूल इन प्ले नहीं है। याद रहे समय फाइनल्स है, इस लॉबी में से 8 टीम्स निकलकर फाइनल्स में जाएंगी जहां पर प्राइस पूल का फैक्टर इन प्ले रहेगा और एक ही दिन के फाइनल्स रहेंगे। अभी के लिए पायरो का स्क्वाड 2S के ऊपर रश कर चुका है, चारों के चारों प्लेयर्स दोनों स्क्वाड्स के सर्वाइव हैं एक दूसरे के आमने सामने मध्य मुकाबल। पायरो के प्लेयर को स्पॉट डाउन किया जाता है 2S के पॉप की तरफ से, UMP45 का इस्तेमाल करते हुए नॉक डाउन करने में कामयाबी हासिल की जाती है। पायरो T24 OP AKM विद 40 बुलेट्स इन हैंड, स्मोक सी डिप्लॉयमेंट जारी है और ब्लेंड होना चाहते हैं, थोड़ा सा बेट आउट करने की कोशिश की जाएगी। पायरो डिवाइन भी एग्रेस करते हुए रैप राउंड कर रहे हैं, टॉमी का इस्तेमाल करने की कोशिश, लेकिन 2S का स्क्वाड नॉक होता हुआ अभी भी प्लेयर सर्वाइव कर रहे हैं। टीम I8 के पुष्पा को बैक एंड के ऊपर घुटनों पर लेकर आ जा चुका है, उज़म नेड निकालते हुए आगे जा रहे हैं, कुक किया जा रहा है नेड बहुत बेहतरीन तरीके से। I8 के घोस्ट और ब्लेड बैक एंड से रिच के कवर में मौजूद और बहुत अच्छे तरीके से कवर फायर्स बैक एंड से प्रोवाइड करते हुए अपने प्लेयर्स के लिए, लेकिन I8 भी सारे मंजर के अंदर आ जाएगी। नेड हिट करता है I8 के एक प्लेयर को गिराने में कामयाब, उज़म घुटनों पर आ चुके हैं, बैक एंड के ऊपर IQ रहेंगे जो कि नेट स्पैम कर रहे हैं रिटालिएशन में, जवाबी कार्रवाई में स्मोक भी गिराया जाता है उनकी तरफ से और उज़म को रिवाइव दिया जाएगा, लेकिन अभी भी बहुत एक अजीब सी सूरत हाल बन चुकी है। नो वन नोज के इस फाइट से कौन सी टीम जिंदा बचकर बाहर निकलेगी और जो टीम इस फाइट को चेज कर लेगी वही इस मैच का चिकन डिनर लेकर जाने वाली है। लेकिन 21 किल्स ऑलरेडी टीम I8 इस मैच से निकाल चुका है, निचोड़ लिया जा चुका है सारी लॉबी के किल्स को, उज़म वापस से ऑन फुट आ चुके हैं। ब्लेड एक मोलो स्पैम करते हैं 2S के पॉप को, पॉप किया जाता है इस मैच से बाहर I8 के पुष्पा UMP45 का इस्तेमाल करते हुए पायरो के डीमन का किल कंफर्म करते हुए इस मैच को इख्तिताम किया जाता है और फाइनली चिकन डिनर निकल कर आता है। अमेजिंग किल्स बहुत खूबसूरती के साथ, जस्ट लुक एट द किल्स ऑफ ब्लेड, ब्लेड 13 सोलो किल्स कर लेकर जाते हैं, जहां पर इस पूरी लॉबी में कोई स्क्वाड नहीं रहेगा जिसके 13 किल्स थे, वहां पर ये अकेला खिलाड़ी 13 किल्स करता है।